लखनऊ अंतर्द्वानी फाउंडेशन ने आयोजित किया विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान। विश्व एचआईवी एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर लखनऊ के श्याया प्रसाद मुखर्जी में एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि यदि एड्स से लोगों को बचना है तो जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। और इसी क्रम में उपस्थित चिकित्सालय एवं आसपास के लोगों को बताया गया कि एचआईवी एड्स किन किन कारणों से होता है। इस अवसर पर डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी ने रक्तदान के महत्व एवं एड्स से बचाव के विषय में जानकारी प्रदान करी। इसी क्रम में सौरभ निगम निदेशक अंतर्द्वानी फाउंडेशन ने बताया कि वे प्रोजेक्ट कैन कनेक्ट, जो कि संवेदना स्वास्थ्य पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। जो प्रोग्राम रखा है वो किस विषय पर रखा है? आज जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आज 1 दिसंबर है और आज वर्ल्ड एड्स डे है। ये ऐसा मौका चुना गया है कि जिसमें हम लोग एड्स के बारे में जागरूकता अभियान चला सकें और विशेष रूप से और लोगों को ये पता चले कि कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। एड्स से बचाव ही उपाय है, एड्स का कोई इलाज भी नहीं ढूंढा गया है, इसका उपाय कैसे आप इससे बच सकते हैं कि निडल न चुहे, इन्फेक्शियस निडल न हो, जो ब्लड हम चढ़ाते हैं उस ब्लड की स्क्रीनिंग प्रॉपर हो, ये सब तरीके हैं जो इससे हम एड्स से बचा जा सकता है। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में हेल्पिंग हैंड के लोग आए थे, सुबह डोनेशन किए हैं। संवेदना के डॉक्टर सौरभ जी हैं, अभिषेक जी हैं, हमारे सब लोग साथी हैं, लोग हमेशा ब्लड देते रहते हैं, जिससे हमारे ब्लड बैंक की आवश्यकता पूरी हो सकती है कि हम बिना रिप्लेसमेंट के जो आवश्यकता होती है जब कि गर्भवती महिलाएँ या JSY के हैं तो हमको बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दे सकें। रक्तदान को लेके आपको लोगों के प्रति क्या जागरूकता है? रक्तदान अभी भी भय का एक माहौल बना रहता है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नुकसान होता है और ये सब जो भय की बात है इनको हम लोग जागरूकता अभियान के दौरान दूर करने की कोशिश करते हैं कि रक्तदान से लाभ बहुत होते हैं, रक्तदान से नुकसान नहीं होता है। सर आपका परिचय? मैं सौरभ निगम निदेशक अंतर्द्वानी फाउंडेशन। हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है स्वास्थ्य के प्रति संवेदना और उसी के तहत हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कैन कनेक्ट, जो कि जैसा कि अभी डॉक्टर त्रिपाठी सर ने बताया कि जागरूकता ही बचाव है। हमारा प्रोजेक्ट कैन कनेक्ट लोगों को जागरूक करने के लिए ही एक अभियान है जो कि कैंसर के प्रति है, कि हम लोगों को जब जागरूक करेंगे उनकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं एक बदलाव लाएंगे तभी वो इस घातक बीमारी से बच सकेंगे। जितनी भी घातक बीमारियाँ हैं, चाहे वो HIV/AIDS हो, चाहे वो कैंसर हो, इन सब में अगर लोगों को बचाना है या इन सब से कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा और हमको अपने आप को जागरूक करना होगा। जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हो सकें। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट लाइफ के लिए 2 मुहिम छेड़ रखी हैं, ईट फिट लीव फिट। तो जब हम अच्छा खाएंगे और जीवन पद्धति में चेंज करेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे कहीं ना कहीं बीमारी से। सर आपका परिचय? मैं अभिषेक चतुर्वेदी, ये निदेशक अंतर्द्वानी फाउंडेशन। जैसा कि मेरे सहयोगी श्री सौरभ निगम जी ने आपको बताया कि हमारा जो ये कार्यक्रम है प्रोजेक्ट कैन कनेक्ट, ये एक नेशनल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम संवेदना के अंतर्गत हम संचालित करते आ रहे हैं 2011 से। और इसमें हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हमने अभी तक इसमें सफलता भी बहुत हासिल करी कि कैंसर के पेशेंट्स को ना ही सिर्फ सपोर्ट करना, सपोर्ट कैसे, हम ब्लड के माध्यम से प्लेटलेट्स के प्रदान करने के माध्यम से, डोनर्स के नेटवर्क को चलाने के माध्यम से पूरे भारत भर में इस तरह इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और साथ साथ में ही हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को, यूथ को और सभी सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि कैंसर से जुड़ी हुई, कैंसर जो एक बीमारी है वो असल में एक बीमारी का नाम नहीं है, वो एक्चुअली में एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है और वो हमारे जीवन शैली में जो त्रुटियां हैं, जो मिथ्य है, हमारे जो हमारे मिथक बने हुए हैं उनके कारण से उत्पन्न होने वाली है, एक लाइलाज बीमारी जैसी बनती जा रही है। तो अब इस पे नो डाउट काफ़ी सारे रिसर्चेस चल रही हैं, इलाज के काफ़ी साधन उपलब्ध होने लग गए हैं, परंतु अभी भी इलाज बड़ा महंगा है और उसके वजह से सरकारी कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो भी कई तरह से कभी कभी इनफैक्ट अक्सर पूरे नहीं कर पाते हैं उस इलाज को, कीमत को। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर तरह से कैंसर के पेशेंट्स को सपोर्ट करें और आज 1 दिसंबर की तारीख में जो इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे है इसके अंतर्गत हम डॉक्टर त्रिपाठी जी के तत्व के सानिध्य में इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम एड्स पर जागरूकता
अधिक से अधिक फैला सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भयानक बीमारी से दूर रखने में मदद कर सके। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आज एड्स जागरूकता दिवस पे जनता के प्रति कोई संदेश देना चाहते हैं? जागरूकता उसको अभियान की तरह से लेना होगा और हमारे जो यूथ हैं मेनली उनके लिए ज़्यादा है कि वो ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक में अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में कहीं के भी ब्लड बैंक हो, नज़दीकी सरकारी ब्लड बैंक हो तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करें ताकि जो विषम परिस्थितियों में लोग आते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है उसमें ब्लड बैंक खाली न रहे, ब्लड उनके पास रहेगा तभी वो दे पाएंगे। और यही है, अब इसको अभियान के तरीके से ये लोग चला भी रहे हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं जिससे ब्लड बैंक में ब्लड हमेशा अवेलेबल रहे, हर ग्रुप का अवेलेबल रहेगा तो अच्छी बात है। सर, गरीब लोगों के प्रति आपका क्या कहना है? गरीब लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है, खून तो सभी के लिए रहता है, ईश्वर ने इस मामले में सबको बराबर बनाया है। पैसे के मामले में गरीब अमीर हो सकता है लेकिन सबके लिए खून जो मात्रा है उसकी कीमत वो सभी के लिए बराबर है, वो रिक्शे वाले के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, राष्ट्रपति के लिए भी, हमारे लिए भी, सभी के लिए बराबर है, खून की कीमत एक बराबर है और इसलिए सभी को खून अपना 250, 300, 400 ml देने में कोई हर्ज नहीं है। शरीर में खून पर्याप्त रहता है, अगर वो हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, फिटनेस है तो वो खून दे सकते हैं, वो कोई भी खून दे सकता है और जरूरत पड़े तो ले भी सकता है ब्लड बैंक से। लेकिन ब्लड बैंक में खून देना निश्चित रूप से एक निश्चित अंतराल में ब्लड देते रहना चाहिए सभी को, यूं ही बिना कैंप के, बिना ऐसे कैंप में आए हुए तो अच्छी बात है, बिना कैंप के भी आए खून देते रहें ताकि ब्लड बैंक के पास प्रचुर मात्रा में ब्लड उपलब्ध हो और फिर जरूरतमंदों को ब्लड हम दे सकें। धन्यवाद।